अतीक का अंत हो गया है। भले ही आज राजनीतिक पार्टियां उसे माफिया, डॉन, गुंडा बुला रही हों, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी ने उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या खासकर समाजवादी पार्टी हो। एक वक्त था जब यूपी में अतीक की तूती बोलती थी। अतीक पर पावर के साथ साथ पद पाने का भी सनक सवार था और उसी सनक ने उसे यहां तक पहुंचा दिया। चलिए आपको उसके राजनीतिक सफर के साथ साथ बताते हैं कि किन किन पार्टियों ने उसे मोहरा बनाकर अपनी चालें चली। अतीक का सफर 1989 में शुरू हुआ। वह पहली बार इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उसे जीत मिली। उसने 25,906 वोट हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल दास को 8,102 वोटों से मात दे दी। फिर क्या था, आगे और चुनाव आए। इसके बाद 1991 और 1993 चुनाव में भी जीत हासिल कर उसने जीत की हैट्रिक लगाई। ऐसा कहा जाता है कि अतीक को सपोर्ट देने के लिए इस दौरान सपा ने चुनावी मैदान में अपना कोई भी प्रत्याशी या उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसके बाद यूपी में बसपा और सपा का गठबंधन टूटा और 1995 में गेस्ट हाउस कांड नाम की एक घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में बसपा सुप्रीमो मायावती पर लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में हमला किया गया। हमले के मुख्य आरोपियों में अतीक का भी नाम शामिल था। उस वक्त शायद अतीक को इस बात का अंदाजा नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में यही कांड उसकी जिंदगी बदलने वाला था। खैर, मुलायम सिंह यादव ने अतीक के सर पर हाथ रखा और 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दे दिया। इस चुनाव में उसके खिलाफ बीजेपी के तीर्थराम कोहली मैदान में थे, लेकिन अतीक ने यह चुनाव जीत लिया। अब वक्त आ चला था 1999 का, जब अतीक पूरे पूर्वांचल में अपनी पकड़ बना चुका था। अब उसकी नजर सीधे विधानसभा से हटकर लोकसभा की तरफ बढ़ रही थी। उसने सपा से लोकसभा चुनाव में टिकट की मांग की, लेकिन बात बनने के बजाय उसका पार्टी से मनमुटाव हो गया। उसने 1999 में सपा का साथ छोड़कर सोनेलाल पाटिल की पार्टी अपना दल को ज्वाइन कर लिया। यह वह दौर था जब अतीक को पूर्वांचल में अल्पसंख्यक वोटरों में सेंध डालने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। अपना दल ने उसे प्रतापगढ़ से टिकट दिया, लेकिन वह चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद भी उसे अपना दल ने यूपी का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद 2002 में पार्टी ने उसे फिर से टिकट दिया और इस बार वह चुनाव जीत गया। वह सपा उम्मीदवार गोपाल दास यादव को हरा कर 5वीं बार विधायक बना था। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर सोनेलाल ने अतीक को फ्री हैंड दे दिया था। समय के साथ अतीक की पूर्वांचल में होल और इस जीत ने कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव को यह भी बता दिया था कि अतीक की जीत ने उसकी पकड़ पूर्वांचल में और ज्यादा मजबूत कर दी है, और अगर यूपी में मुसलमानों के साथ चाहिए तो अतीक को अपने साथ लाना होगा। इसलिए उन्होंने अतीक की सपा में वापसी करवा ली। पार्टी ने उसे 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दे दिया। अतीक यह चुनाव जीत गया। उसे अपनी इलाहाबाद पश्चिम सीट छोड़नी पड़ी। इसके बाद यहां उपचुनाव हुए। इस चुनाव में सपा ने अतीक को खुश करने के लिए उसके छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया। हालांकि बसपा ने अशरफ के खिलाफ राजू पाल को उतार दिया। राजू पाल यह चुनाव जीत गए। हालांकि साल भर के अंदर ही राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्या में अतीक और उसके छोटे भाई अशरफ को नामजद आरोपी बनाया गया। इस घटना के बाद अतीक की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। मई 2007 में मायावती सत्ता में लौट आई थी। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड के आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बसपा सरकार में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। इस वक्त अतीक सपा से सांसद था, लेकिन जैसे ही अतीक की छवि को लेकर सपा की किरकिरी होने लगी तो मुलायम सिंह यादव ने उसे पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद अतीक अहमद गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद उसने दिल्ली में सरेंडर कर दिया। अब इसी वक्त अतीक की जिंदगी में कांग्रेस की एंट्री होने वाली थी। बताया जाता है कि उस वक्त कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए अतीक का इस्तेमाल किया था। राजेश सिंह की पुस्तक बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बुलेट में दावा किया गया है कि 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त यूपीए सरकार के पास साधारण बहुमत के लिए 44 मतों की कमी थी। मतदान के 48 घंटे पहले सरकार ने फलों पर 6 बाहुबलियों को जेल से बाहर निकालकर उनके वोट डलवाए थे। इन बाहुबलियों में एक अतीक अहमद भी था, जिसके वोट से उस समय यूपीए सरकार बच गई थी। इसके बाद अतीक जेल में ही बंद रहा, लेकिन फिर दौर आया 2012 का। 2012 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी ने फिर अतीक को टिकट दिया। अतीक अहमद ने जेल से नामांकन भरा। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत की अपील की। इसे जमानत तो मिल गई, लेकिन वह चुनाव में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से हार गया। लेकिन जब सपा सत्ता में लौटी तो उसने 2013 में अतीक को जेल से रिहा करा दिया। इसके बाद सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अतीक को श्रावस्ती से मैदान में उतारा, लेकिन वहां पे भी वो चुनाव हार गया। 2017 में फिर शिवपाल ने अतीक को कानपुर सीट से टिकट दिया, लेकिन उसका टिकट अखिलेश यादव ने काट दिया। ये वही दौर था जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में एसपी की कमान संभालने को लेकर बवाल चल रहा था। 2017 में टिकट कटने के बाद हाईकोर्ट ने फिर से अतीक मामले में दखल दिया और अतीक को अरेस्ट कर लिया गया। अब जब सबने इस्तेमाल कर लिया, तब बारी आती है बीजेपी की। देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने 2018 में फूलपुर का उपचुनाव लड़ा। इस बार यह चुनाव उसने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था।
इस चुनाव में सपा ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की मदद करने के लिए अतीक को यह चुनाव लड़वाया जा रहा है। इस चुनाव में अतीक के लिए उसकी पत्नी शाइसा परवीन और उनके बेटे ने खूब प्रचार किया था। हालांकि चुनाव में जीत सपा की ही हुई थी। इसके बाद अतीक अहमद के नाम को बनाए रखने के लिए सितंबर 2021 में असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक की पत्नी शाइसा परवीन को अपनी पार्टी AIMIM ज्वाइन करवा दिया। इसके लिए वह खुद लखनऊ आए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने शाइस्ता को विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके 6 महीने बाद ही शाइस्ता बसपा में शामिल हो गई। ऐसा माना जाता है कि बसपा उन्हें प्रयागराज मेयर पद के लिए प्रत्याशी बना सकता था, लेकिन उनका नाम उमेश पाल हत्याकांड में सामने आने के बाद मायावती ने साफ कर दिया कि वो शाइस्ता को उम्मीदवार नहीं बना रही है। हालांकि शाइस्ता को पार्टी से निकालने पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। आज भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन माफिया अतीक का राजनीतिक सफर तो यही साफ साफ दर्शाता है कैसे यूपी में मौजूदा हर नामी गामी राजनीतिक पार्टी ने उसका इस्तेमाल अपने ढंग से किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।